आज हम जा रहे हैं ऑटो हेड और इस धरती माता को योगदान देने के लिए हम कुछ पौधे रोपने जा रहे हैं। आप देखिएगा हमारी इस वीडियो को। और अब हम अबौली के आसपास आ चुके हैं। हम कुछ ही देर में अबौली पहुंच जाएंगे। अबौली पहुंच के फिर हम आगे ऑटो हेड जाएंगे और वहां पर पौधा रोपित करेंगे। में बीज है, हम ये गाड़ के आएंगे इधर ऑटो हेड में। पौधे हमें छांव देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट देते हैं और सब्जियां देते हैं, कई कई बेलें और पौधे अनाज भी देते हैं जिससे हम संतुष्ट रहते हैं। हम अबौली पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है अबौली में आपका स्वागत करते हैं। बहुत शांत माहौल का गांव है, बहुत ही बढ़िया गांव है ये। ये देखिए ये मशीनें खड़ी हैं और ये घर देखिए, इस प्रकार के यहाँ पर घर हैं। और वो सामने दिख रहा है वो नदी का किनारा है। हमें वहाँ पर जाना है, हमें यहाँ से घूम के जाना होगा। ये देखिएगा ये गाय बछड़े ऐसे फिरते रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये विशाल का एक गोधा वो देखिए लोग झरना लगा रहे हैं। हमें यहाँ पर धीरे धीरे चलाना चाहिए स्कूटर, कभी कभी आगे कुत्ते भी आ जाते हैं। ये देखिए ये कुत्ता था, ये रास्ते में था, पहले निकल चुका बच गया साला। ये कंप्यूटर किराया चल रहा है, शायद साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें साफ दिख रहा है। ये देखिए एक और कुत्ता। अब हम ऑटो में पहुंचने वाले हैं, तो अभी देखिए बड़े बड़े साजन आने लग गए हैं। ये बजरी की, सीमेंट रेते की दुकानें हैं। ये देखिएगा जैसे मशीन आ रही है। ये पहले ऑटो हेड का अड्डा था, ये स्कूल वैन। ये देखिएगा अब आगे एक और नहर आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। पहले ये बस देखिएगा, ये बस सिरसा से बनी जाती है। हम ऑटो हेड से आगे सीधा जाएंगे तो सिरसा पहुंच जाएंगे। ये नदी ऑटो हेड में जाकर मिलती है नहर। ये यहाँ पर मंदिर है, इधर गांव रहेगा। हम किनारे किनारे जाएंगे, हम किनारे किनारे जाएंगे। उधर पास में गांव है, वो मंदिर है, देखिएगा ऑटो हेड की। ये देखिएगा ये पेड़ टूट गया है, पिछली बार तूफान आया था तो ये पेड़ टूट गया। ये देखिए वे बच्चे, ये बच्चे फेमस हो जाएंगे। ये यहाँ पर बकरे बंधे हुए हैं, बकरियाँ भी। ये बाड़ा है बकरियों का। ये इधर पास में एक और गांव है, ये देखिएगा ये ऑटो हेड का हिस्सा है। ये यहाँ पर कई कई बेलें लगी हुई हैं कई प्रकार की। ये पता नहीं किसके पौधे हैं लेकिन पौधे हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ पर ज़्यादा सफेदे टालियाँ और किक्कर, बहुत झंगियाँ भी है। यहाँ पर डाब पाई जाती है जिससे पीलिया का झाड़ा लगता है। और ये बहुत पेड़ हैं, देखिए पानी की कमी से खेत सूख रहे हैं। ये पानी की कमी से खेत सूख रहे हैं ऑटो हेड में। कुछ पिछले कुछ दिनों से पानी की बहुत कमी आ गई है। ये नहर हम जा रहे हैं, हम आगे दिखाएंगे आपको ये नहर।
जाके कहाँ जुड़ जाती है। ये बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये भैंस बंधी हुई है और ये देखिएगा ये भैंसे हैं। वो पेड़ गिर गया। ये देखिए यहाँ पर थापियाँ सुखाते हैं। ये ज्वार बीजी हुई है किसानों ने। हम आगे जा रहे हैं, देखिएगा ये देखिए पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ हमें सांसें देता है और ये रात को भी वायरस नहीं फैलाता है, रात को भी हमें ऑक्सीजन देता है। नहर आ गई है। ये देखिए यहाँ पर वो लकड़ियाँ लगाए हुए हैं भी कोई चीज़ तैर के आई। ये देखिए ये नहर सूखी पड़ी है। ऑटो हेड में इसका पानी आता है। ये लकड़ियाँ इसलिए लगाए हुए हैं ताकि कोई चीज़ तैर के आए तो यहाँ पर रुक जाए। ये देखिए वो नहर जहाँ से हम किनारे किनारे आ रहे थे, ये वही नहर है। ये देखिए देखिए हम जा रहे हैं, वो ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी बेलें हैं और बहुत सारा हमें गिना नहीं जाता। ये यहाँ पर पानी की चोरी हो रही है। देखिए इससे है कि ये बीच बीच में ये मछलियाँ कूद रही है। देखिए ये देखिए बुलबुले फूट रहे हैं बीच बीच में। ये देखिए मछलियाँ कूद रही है, वो वहाँ पर मछली कूदी। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है। वो बगुले देखो, और ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है राजस्थान 2000। ये पेड़ काफी नीचे हो गया है, इसका कोई भरोसा नहीं। आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, ये खतरे से खाली नहीं है। ये देखिएगा ये गाय को लेकर जा रहे हैं, ये बहुत मारनी गाय होगी। ये देखिए टिटड़ी बैठी। बीच बीच में पेड़ गिरे हुए, देखिए ये देखो कुत्ते बैठे हैं, लड़ाई के माहौल में हैं। पानी के बीच बीच में बेलें भी उगी हुई हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम जा रहे हैं पास में पानी कम हो रहा है। हम ऑटो हेड पहुंचने वाले हैं। देखिए वो आगे ऑटो हेड का पुल आ गया। ये तालाब है। ये देखिए कितनी मछलियाँ पड़ी। ये आ गया ऑटो हेड। यहाँ पर गन्ने का जूस मिलता है। ये देखिए हम ऑटो हेड पहुँच चुके हैं आखिरकार। ये देखिए ऊपर ये नहर, देखिए इसमें पानी की कमी आ गई है। वो देखिए वहाँ पर तो जमा भी सूखा हुआ है, इधर तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है एकदम। ये नाली है इधर, वो एक पास आ रहा है अंदर ही। वो देखिए बंदर, पीछे बंदर था। यहाँ पर बहुत ही बंदर पाए जाते हैं। ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी, और हमें समझ नहीं आएगा ये कैसा है क्या है। बहुत बड़ी नहर है ये, गंगा नदी है इसका नाम। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये देखिएगा हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। ये हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और ये यहाँ पर
बोर्ड लगा हुआ है, सावधान, यह पानी पीने के योग्य नहीं है, ये पानी नहीं पी सकते हम। चौधरी देवीलाल VR02 का उद्घाटन, यह बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर देखिएगा, ये तो बिल्कुल ही सूखी हुई है ना। पहले तो बिल्कुल ऊपर होती थी। हम छोटी सी कोशिश करते हैं पौधे लगाने की। अब बारिश का माहौल बना हुआ है और बारिश आके इन पौधों को मिलेगी तो ये बड़े हो जाएंगे। चलो लगाते हैं पौधे। ये बहुत ही 3 बीज लगा दिए हैं, देखते हैं इनमें कितना बदलाव आता है। कैमरा चालू है। ये देखिएगा हम यहाँ पर ही जीगा पट रहे हैं। ये बहुत ही सख्त जीगा है, ये बिल्कुल खात है, देखिएगा थोड़ा गहरा खोद। ये बिल्कुल ही खात है, देखिएगा आप ही देख सकते हैं। हम थोड़ा और खोद के रखते हैं, नहीं तो ये नीचे सख्त जगह है, इनकी जड़ें अंदर जा नहीं पाएगी। ये मैंने यहाँ पर 4 बीज लगा दिए हैं। पानी गाने इनमें तीसरा गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए हम ये तीसरा गड्ढा खोद रहे हैं। पहले ही बताया था, अब ये हमने खोद लिया है खड्डा, तो अब हम इसमें बीज उगा देंगे। हम 3-3 बीज क्यों उगा रहे हैं भी, अगर एक बीज फेल हो जाए तो 2 बीज तो लगे, या फिर 2 बीज फेल हो जाए तो 1 बीज जरूर लगे। अगर तीनों ही फेल हो गए फिर देखिए, मैंने यहाँ पर उगा दिए हैं 4 बीज। हम यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो हम देखते रहेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम ये चौथा गड्ढा खोद रहे हैं। ये बीच में लाल मिट्टी का आ गई। देखिएगा ये लाल मिट्टी आ चुकी है, ये देखिएगा ये बिल्कुल लाल मिट्टी आ गई है। देखिए अब हम इसमें बीज उगा देंगे। अब हम इसे और डूंगा खोदेंगे। देखिएगा हो सके तो आप भी पौधे का रोपण कीजिए। ये जगह सही है। देखिएगा हम ये 5वां गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए हम इसे खोद रहे हैं, ये बहुत
बहुत ही सख्त दुकान है, मैंने आपको तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ। ये देखिए लाल मिट्टी आनी शुरू हो गई है, देखिए ये देखिए ये यहाँ पर बड़ा पत्थर आ गया था, इसलिए हम और गहरा खोदेंगे इधर। देखिए देखिए ये देखिएगा, ये पत्थर बहुत तंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और पत्थर आ गया, देखिए हमने बीज ले लिए हैं, पांच बीज लिए हमने, यहाँ पर घेर देंगे हम। ये जामुन के बीज है, ये कहाँ से लेके आए थे? हम खेत में गए थे एक दिन, हम खेत में चले गए। इनकी शुगर की दवाई भी बन सकती है, चाहे तो हम शुगर की दवाई भी बना सकते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जितने पेड़ पौधे हम उगाएंगे उतनी ज़्यादा बारिश आएगी और उतना ही पर्यावरण शुद्ध होगा। और तो देखते हैं हम अगला गड्ढा खोदते हैं। ये सातवां गड्ढा है हमारा, मैंने यहाँ पर छह बीज लिए हैं, बड़ा गड्ढा है इसलिए। देखिएगा हमने उगा दिया है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये गगर नदी है, अगर ये इसमें अभी पानी नहीं है, अगर पानी आ जाए तो ये यहाँ तक पानी आ जाएगा, और वो आगे जंगली यहाँ दिखाई दे रही है, उससे आगे तो पूरी झील बनी हुई है। ये तो नदी नदी है, वो आगे है सिली नदी, तो देख सकते हैं आप। देखिएगा ये पत्थर आ गए हैं पानी की वजह से, ये बहुत ही नुकीले और सख्त पत्थर हैं। ये सफेदे का पौधा है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत छांव देगा हमको। ये देखिएगा अभी भी इसकी गहरी छांव है, हम चाहें तो यहाँ पर सो भी सकते हैं। ये देखिएगा ये किक्कर है, इसके बहुत सारे कांटे उगते हैं, और इसकी छांव तो और भी गहरी है, देखिएगा। दोस्तों चाहे कोई भी पौधा हमें छांव देता है और फल फूल देता है, आपको फल तो दिखाते हैं कैसे देते हैं पौधे, देखिएगा खीरे से जैसे लटके हुए हैं, तुम्बे से एक ही यहाँ पर लटका हुआ है, दो तीन वहाँ पर लटके हुए हैं, ये बहुत सारे हैं देखिएगा, गिनती नहीं कर सकते। ये यहाँ पर फूल बन रहे हैं इसके, वो देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये फूल बन रहे हैं इसके। आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ, उसका नाम है केली, पौधा होता है ये देखिएगा इसके अंदर उगा हुआ है, ये देखिए ये बहुत सारे होते हैं, आपको कोई भी नहर होगी उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। वो वहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है, पानी देखिए कैसे कर रहा है, गुड़ 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 ऐसा लगता है कोई चीज़ डूब रही है। वो उसके उस पार है होश के, तो मैं आपको उसके उस पार दिखाऊंगा आगे जाएंगे तो। ये आगे उसके आगे पूरी तक झील बनी हुई है, ये देखिए ये हम ये पानी पीने के योग्य नहीं है, देखिए देखिए। दोस्तों हम आपको ये केली का पौधा बहुत नज़दीक से दिखा रहे हैं, हम अभी नदी के अंदर खड़े हैं, अगर इसमें पानी भर जाए तो हम आ नहीं सकते अंदर, वहाँ पर किनारे खड़के हमें देखना होगा।
इसके अंदर बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। और केले का पौधा देखिएगा, ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं, ये पानी के अंदर पता नहीं कैसे उगा होता है। और वो सामने टापू दिख रहा है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का टापू है। और इसके अंदर सांप, क्रोकोडाइल और मछलियाँ, बहुत सारे जीव रहते हैं। आप देख सकते बीच बीच में कूद रहे हैं वो। उसके उस पार वो देखिए बगुले बैठे हुए हैं छांव में, उनके साथ मुर्गाई भी है। ये देखिएगा बीच बीच में कूद रही है मछलियाँ, वो देखिए वो वहाँ पर कूदी थी। ये आप देख सकते हैं इसका पानी कितना हरा हुआ है, देखिए ये बहुत ही गर्म पानी है। वहाँ पर अंदर जाएंगे तो बहुत ठंडा पानी होगा। ये देखिएगा ऑक्टोपस जैसा लग रहा है, ऑक्टोपस जैसा लग रहा है ये। इसकी जड़ें पता नहीं कैसे उगी होती है अंदर पानी के अंदर, इसकी जड़ें नहीं होती, ये पानी के अंदर ही उगता है। दोस्तों ये पुराना पुल है जो पहले था, और आज भी इसमें वो दम है, इसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है। अब ये पुल यूजलेस है, हम आपको उसके नज़दीक से दिखाएंगे हो सके तो। देखिएगा ये नया पुल है, और अब हम इसके ऊपर से जाके आपको वो पुराना पुल दिखाएंगे। ये बीच बीच में ये पशु पक्षी है, पक्षी है जो बीच बीच में मछलियाँ चुगते फिर रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ से ये नहर जाती है। ये पहाड़ी पत्थर देखिए कितने पड़े। ये रही है एक और नदी, यहाँ पर पहले एक बंदर था, हमने पहले वीडियो बनाई थी। ये एलनबाग की बस है, सिरसा एलनबाग सिरसा। ये आठवां गेट है और ये नौवां गेट है। वो देखिएगा बंदर बैठा, वो देखिएगा एक और बंदर ऐसे उगता है, नहर में गिरने ही वाला है लेकिन इनमें वो दम है। ये देखिएगा ये गया नीचे गया। ये ग्यारहवां पुल है, ये क्लोज रहता है, और बारहवां पुल भी क्लोज रहता है। और ये ट्रक देखिए लंबा। ये तेरहवां पुल खुला है, गेट। ये देखिएगा वो रहा एक बंदर, असल कहा अभी गिर जाएगा। वो देखिए देखिए देखिए, वो देखिए 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 देखिए, करतब दिखा रहा है बंदर। ये इधर भी देखिएगा, ये पूरी तरह सूखी हुई है। वो उधर भेड़े चल रही है, वो देखिएगा अंदर नाव खड़ी है, वो देखिए। यहाँ पर भुट्टे भूंदे जाते हैं, वो रहा अंग्रेजों के जमानों का पुल। और ये देखिए पहाड़ी पत्थर पड़े हैं, वो देखिए पुल। अब हम ये नीम है देखिएगा, बहुत ही विशालकाय दरख्त है यहाँ पर। कहा जाता है कि पहाड़ी पत्थर से अगर आग पड़ी जाए तो आग ही पड़ी जा सकती है। यहाँ पर भी मछलियाँ पालते हैं देखिए, वो देखिएगा चमगादड़ चमगादड़ दिखाएंगे। अभी हमने छोटे देखे हैं और अभी हम बड़े भी चमगादड़ दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा आप, हम वो देखिए नाव खड़ी, और हम धीरे धीरे पुल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। कुत्ते बड़ी आराम से सोते हैं। अब हम हो सके तो आपको नज़दीक से दिखाएंगे पुल। देखिए दोस्तों हम किश्ती देखने जा रहे हैं नीचे, यहाँ पर हम फिसल भी सकते हैं। देखिएगा हम धीरे धीरे जाएंगे, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
वो देख कुत्ते सोए पड़े हैं, वो बगुले देखिए कितने सारे आप देख सकते हैं, वो देखिएगा ये धोल धोले हैं, ये बगुले हैं, ये नाव देखिएगा, ये देखिएगा ये नाव है, हम आपको पास से दिखाएंगे, और ये पुल देखिएगा हम आपको दिखाएंगे नाव, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये बीच में डंडे से पता नहीं क्या है, हम चाहें तो इसको तैरा सकते हैं, लेकिन इसमें तो छेद है, वो देखिए वहाँ से गाड़ियाँ जाती है, और ये देखिएगा ये मछली मरी पड़ी है, ये मछली इसलिए मरी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है वो केमिकल होता है इस पानी में, और इस वजह से मछली मर जाती है, और आगे देखिए वो कुत्ते खड़े हैं, लड़ाई के माहौल में हैं, वो क्यों खड़े हैं, कुत्ते क्यों आ जाते हैं यहाँ पर, कुत्ते क्यों आ जाते हैं यहाँ पर, ये मछलियाँ खाने के लिए आते हैं, कुत्ते मरे हुए मछलियाँ खाने के लिए आते हैं। हम पुल के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, ये वही पुल है जिस पर पहले गाड़ियाँ गुजरती थी और यहाँ पर दुकानें होती थी, और आज देखिए बड़ी नदी बन चुकी है, आप ही देख ही सकते हैं, वो पुल टूटने के आधार पर है, इस पुल का कोई भरोसा नहीं, आज टूटे कल टूटे, किसान इसी अंतर से पानी निकालते हैं, और इस पाइप में मैं आपको दिखाता हूँ पानी है, और इन्हें खेतों में दिया जाता है, ये देखिएगा हम आपको वो बगुले पास से दिखाते हैं, वो देखिएगा संतरी बगुले, कितने सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें, हम शांति के माहौल में जाएंगे उनके पास, अगर वो हमें देख लिया तो वो देखिएगा, ये देखिए ये पेड़, वो देखिएगा हमें देखकर दूर भाग रहे हैं, वो देखिए 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 वो भाग रहे हैं, ये यहाँ पर मछली खाने के लिए आते हैं, थोड़ी आवाज करो, बहुत ये विशालकाय हैं, ये यहाँ पर मछली खाने के लिए आते हैं, टोली की टोली जा रही है, मेरे तो देखने का मन कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर अलग अलग तरह के हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, अगर आपको भी देखना हो तो आप ऑटो हटा के देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हम पौधा रोपण करने आए हैं, और जब ये ऊपर तक हो जाएगी नदी तो इसमें आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर आ नहीं सकते, अब हम इसके अंदर आए हुए हैं, पानी देखिए कितना सूखा हुआ है, लग रहा है डूंगा है लेकिन नहीं, ये देखिएगा ये उनके पैर हैं, चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बाय 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 बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।